तो गाइज आज का सवाल ये है कि फ्री फायर में सबसे बेस्ट मिड रेंज का गन कौन सा है। तो सारे के सारे बंदा गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके तो गाइस क्या आप भी एनिमी के सरप्राइज अटैक से परेशान हो? क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका गेम प्ले बहुत अच्छा है तब भी वो लोग मर जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि एनिमी सामने है कि नहीं। क्योंकि देखो ज्यादातर बंदे यही सोचकर खेलता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करके खेलेंगे ताकि रैंक स्कोर का पॉइंट्स भी मिले और बुया मिलने का चांस भी बढ़ जाए। बट हमारे जैसे मासूम बंदे यही गलती कर बैठे कि अपुन को बस लूट मांगता है, बाकी सब जाए भार में। तो मेरे भाई मैं भी पहले यही गलती कर रहा था, बट मुझे अब पता चल रहा है कि ये मेरी कितनी बड़ी गलती है फ्री फायर में। देखो गाइस लूट करो कोई बात नहीं है, लेकिन उतना भी नहीं कि सामने एनिमी हो और आप मेडिकिट और ग्लूवाल ढूंढने के चक्कर में नौक हो जाओ और आपके चक्कर में सामने आपका टीममेट रहेगा वो भी पाप की भागीदारी में हो जाएगा। लेकिन कोई ना गाइस आपका स्केरी भाई ना आपका लूटने का टेंशन दूर कर देगा ना, आप ज्यादा से ज्यादा लूट भी कर लेना अपनी मर्जी से वो भी बिना कोई टेंशन के। आपको बस थोड़ी बहुत एनिमी स्पॉटिंग की नॉलेज जानना है और कुछ नहीं गाइस, ठीक है? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फाइंडिंग एंड रिवीलिंग एनिमी लोकेशन। तो गाइस क्या आप तैयार हो ट्रिक्स जानने के लिए? एंड हां गाइस ये दोनों ट्रिक फॉलो करना होगा तब जाके ही ये सक्सेसफुल होगा। ओके तो चलो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहला ट्रिक से, ट्रिक नंबर 1। तो गाइस ट्रिक नंबर 1 इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक ऑफ ऑल। अब कैसे? तो देखो गाइस नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो जैसे कि देख ही सकते हो गाइस मैं आ चुका हूं घर के पास जहां एनिमी हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको रिवील करके दिखाऊंगा आप लोगों को सिंपली से करना कि आपको सिंपली सा ऐसा जगह पे बैठना है गाइस जहां आपको एनिमी देख नहीं पाएगा, ठीक है? तो आपको सिंपली सा अपना गाइस वाईफाई जो डाटा कनेक्शन है वो ऑफ कर लेना है गाइस, ठीक है? अपना डाटा ऑफ करना है या फिर वाईफाई ऑन, अगर वाईफाई से खेलते हो तो वाईफाई ऑफ कर लो गाइस, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली सा घर के ऊपर जाना, ठीक है गाइस? सिंपली सा घर के ऊपर जाना है गाइस, ठीक है? आप लोग देख ही सकते हो मैं आराम से जा रहा हूं, ठीक है? आराम आराम से जाना गाइस, ठीक है? और देखो गाइस इधर तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे इधर गया इधर एनिमी था गाइस, ठीक है? वो भी क्या आराम से कैंपिंग कर रहा है भाई, क्या ही बोले भाई चचा, क्या आराम से कैंपिंग कर रहा है, मतलब क्या ही बोले गाइस। आप लोग देखिए तो स्क्रीन पे गाइस ये बंदा क्या इस क्या ही आराम से मतलब बैठ के वो भी जोकर बंडल बैंड के भाई सब जोकर और राइस्टर का ड्रेस पहन के बैठा हुआ है गाइस। आप लोग मेरे जैसे बैकपैक वो भाई मेरा वाला बैकपैक गाइस आप लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे, इसलिए बोलता हूं गाइस आप लोग बस। फिर उसके बाद आपको क्या करना गाइस, ठीक है? आप लोग देख रहा हो मैं क्या करता हूं, वाईफाई ऑन कर दो या फिर डाटा ऑन कर दो, ठीक है? अपना डाटा या फिर वाईफाई ऑन कर लो। उसके बाद आप लोग को सिंपली देखना गाइस मेरा जैसे नेट आता है गाइस मैं क्या करता हूं आप लोग देखना, ठीक है? जैसे मेरा कनेक्शन वापस आएगा, देखो गाइस मेरा कनेक्शन आ जा, हां मेरा कनेक्शन जैसे आप लोग देख ही सकते हो मेरा कनेक्शन में भी वापस आ गया। अब मैं सिंपली सा उस एनिमी के सामने डायरेक्ट ऐसा रस दूंगा भाई वो सोच नहीं पाएगा भाई, वो सोचेगा भाई किस जन्म का बदला ले रहा भाई ये बंदा यार। तो देखो गाइस डायरेक्ट सीना एनिमी के पास गया, वो इधर बैठा ही हुआ था, देखो गाइस वो सोचा भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया, आप लोग देख ही सकते हो बंदा कूद रहा है, मतलब क्या ही बोले गाइस एनिमी सोच नहीं पा रहा। देखो सबसे ज्यादा ट्रिक बोलता हूं आप लोग फास्ट हो, अपना मूवमेंट दिखाओ जब भी आप किसी घर पे रश कर रहे हो, ठीक है? रश मतलब हाँ, किसी कैंपर पर अगर करते हो गाइस अपना मूवमेंट दिखाओ गाइस, ठीक है? मूवमेंट सबसे ज्यादा बड़ा हुआ मूवमेंट। मैं तो आप लोग एक कस्टम खेल के दिखा रहा हूं गाइस, आप लोग को एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक कस्टम खेल के दिखा रहा हूं गाइस, ठीक है? बस ये समझ लेना गाइस ये कस्टम का ट्रिक आप लोग रैंक मैच में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि देखो गाइस मैं जितना भी ट्रिक बताता हूं ये 100% रियल वर्किंग विद जेन्युइन वे गाइस, ठीक है? आप लोग को एक रैंक मैच का भी ट्रिक बताता हूं मैं। देखो गाइस मैं रैंक मैच में देखो गाइस मैंने नेट बंद किया था और ये बंदा लूट कर रहा था भाई, क्या ही बोले चाचा को क्या ही बोले, इसको सिखाओ यार, स्केयरक्रो आ गया भाई इसको सिखाओ, थोड़ा स्केयरक्रो आ चुका है आपको आपका रिवील करने के लिए एनिमी लोकेशन भाई, इसको क्या ही बोले। तो इसलिए बोलता हूं गाइस मेरा ट्रिक को फॉलो करो आप लोग, ये बस आपको वाईफाई डाटा ऑन ऑफ करना है गाइस, ठीक है? उसके बाद ऑन करना है सही जगह पे बैठ के गाइस, ठीक है? बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2। गाइस ट्रिक नंबर 2 के बारे में क्या ही बोले, ये तो गॉड लेवल ट्रिक है एनिमी का लोकेशन पता करने के लिए। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, ये चीज बहुत बंदे के पास नहीं है, अगर होगा तब भी वो लोग सही से यूज नहीं कर पाती है, एंड ये फैक्ट है। तो पहले मैं इसका लेने का तरीका बताऊंगा फ्री में, वो भी क्योंकि बहुत बंदे इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अपनी स्टोर का सामान है गाइस, ठीक है? तो ये कौन सी चीज है, ये है आपका क्लू कैरेक्टर। जी हां गाइस क्लू। तो गाइस इसको पहले ले लेना फ्री में, वो भी जेन्युइन वे से, क्योंकि देखो मैं कभी गलत तरीका बताऊंगा नहीं आप सभी को, जो सही होगा वही बताऊंगा, ठीक है? बस ये याद रखना टाइम लगेगा बट मिलेगा जरूर। ओके तो गाइस आपको मेरे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये रूटर ऐप को डाउनलोड करना एंड उसमें आप लोग लाइव स्ट्रीम देख के कॉइन्स अर्न करना, एंड फिर जब आपको क्लू कैटर लेने का मन होगा तब आपको रिडीम वाला सेक्शन में जाना है और आप लोग देख ही सकते हो फ्री फायर प्लेयर लोग के लिए कितना वैल्यू देता है ये ऐप, एंड इसमें आप लोग 4000 कॉइन्स में
50 डायमंड मिल रहा है, 8,500 कॉइन में 100 डायमंड मिल रहा है, 25,000 कॉइन में 300 डायमंड एंड लास्ट 40,000 कॉइन में 520 डायमंड। तो गाइस क्लू क्रिएटर लेने के लिए आपको 40,000 कॉइंस करना है एंड 520 डायमंड ले लेना है, ठीक है, क्योंकि स्टोर में 399 डायमंड मिलता है क्लू क्रिएटर, ठीक है, एंड डीजे आलोक भी ले सकते हो 40,000 कॉइन में, सही है भाई। तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा कॉइन है ओ भाई ओ पियर, तो गाइस मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करो, लाइव स्ट्रीम वगैरह देखो, ठीक है। जब आप क्लू क्रिएटर ले लोगे फिर आपको वही टाइम पे स्किल ऑन करना है जब आप किसी घर में रस करने वाले हो या फिर जब आप किसी एनिमी का पैरों की आवाज सुनते हो, ठीक है, बस आपको स्किल ऑन करना है, ठीक है, एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा आराम से, ठीक है, एंड आप उसको आराम से मार सकते हो बिना कोई टेंशन के।